आप सबको नमस्कार, मैं नवीन देसवाड़ हाजिर हूँ आपके सामने एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों, कहते हैं आसमान से टपके और खजूर में अटके, ऐसा ही कुछ हो रहा है हरियाणा प्रदेश में CPL उभरती वाड़ों में LC के साथ। LC मतलब लोकल ऑपरेटर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि हरियाणा सरकार ने पिछले दिनों भर्ती की थी CPLO की। एग्ज़ाम फार्म के टाइम पर जब फार्म भरा गया तो सबने फार्म भरा CPLO का, लेकिन जब भर्ती का रिजल्ट आया तो CPLO को दो हिस्सों में बांट दिया गया। एक का नाम रखा गया आस्क ऑपरेटर, जिनको पंचायत का काम करना है और 6,000 रुपये जिनको सैलरी मिलेगी। दूसरे को कहा गया LCLO यानी क्रेड लोकल ऑपरेटर, उनको सिर्फ कमीशन मिलेगा। और दोस्तों, सब ने जब पेपर एक जैसा दिया है तो सैलरी भी सबकी एक जैसी होनी चाहिए, और प्लस टू लेवल का पेपर था तो कम से कम कलर के लेवल की सबको सैलरी भी मिलनी चाहिए। इस बारे में जो लोकल ऑपरेटर हैं उन्होंने तावड़ू, ये मेवात में पड़ता है, उन्होंने सरकार ने भर्ती की CPLO को लगा दी LCCM के नाम दिया गया। अपन जैसा कि आप हेडलाइन देख रहे न्यूज़पेपर में, सरकार ने CPLO की भर्ती दी करी और लगा दिए लोकल ऑपरेटर, यानी डब्बा किसी चीज़ का और अंदर कुछ, ऊंची दुकान फीका पकवान। दोस्तों, खबर जैसा कि है मेवात से, मैं आपको बताता हूँ कि पिछले वर्ष हरियाणा सरकार ने तकरीबन 7500 करोड़ पंचायत लोकल ऑपरेटर की भर्ती निकाली थी। सरकार ने इसमें दो कठिन परीक्षाएं भी ली, लेकिन परीक्षा के बाद 7500 पदों को दो हिस्सों में बांट दिया गया। 3400 CPLO और 4100 LC नियुक्त किए गए। सरकार ने 3400 CPLO को 6,000 के वेतन पर पंचायतों में लगा दिया, जबकि 4100 LC को सिर्फ काम के में कमीशन बेस पर रख लिया। किसी LC को ग्राम पंचायत में नियुक्त नहीं किया गया। इसको लेकर लोकल ऑपरेटरों में काफ़ी रोष है, और इसी बात को लेकर मेवात के सैकड़ों लोकल ऑपरेटरों ने नू के DC की मार्फत मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को एक ज्ञापन सौंपा है। लोकल ऑपरेटर रिजवान खान, वारिस शाहिद, इरशाद अंकित सैनी ने बताया कि CPLO की जब परीक्षा ली गई थी तो लोकल ऑपरेटर का कोई जिक्र नहीं था, और नियुक्तियां देने के समय सरकार ने LC का नया पद क्रिएट किया है। जब भर्ती निकाली थी तो कहा गया था CPLO को पंचायतों में लगाया जाएगा और उसके बदले उनको मानदेय दिया जाएगा, लेकिन अब भर्ती हुई है तो इसमें लोकल ऑपरेटर का नया पद बना दिया गया है। CPLO को 6,000 वेतन दिया जा रहा है, काम के बदले मानदेय और अन्य सुविधाएँ मिल ही रही हैं, जबकि मेवात की 325 पंचायतों में 70 CPLO और 150 LC नियुक्त किए गए हैं। LC की पंचायत में नियुक्ति नहीं हुई है, तो भाई सरकार ने कहा कि ऐप के माध्यम से LC से काम लेगी, इनकम वेरिफिकेशन का काम उसे करवा जाएगा। तो भाई उन्होंने LC ने अपने ज्ञापन में कहा कि चपरासी भर्ती भी अगर होती है तो भी 17,000-18,000 रुपये मासिक वेतन मिलता है, PF वगैरह मिलता है, जबकि इसमें LC के साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा, और सभी LC का मानदेय कम से कम 20,000-22,000 रुपये किया जाना चाहिए। और हरियाणा सरकार में 7500 पदों पर जो भर्ती की थी, अब तक कुल 34 उम्मीदवार ही चयनित हुए हैं। जो बाकी पद बचे हैं वहाँ पर LC को ही CPLO के पद पर नियुक्त किया जाए। तो दोस्तों, जैसा आपने देखा है कि बहुत सारी जगह इस बारे में लोकल ऑपरेटर ज्ञापन दे रहे हैं, तो ये ज्ञापन CM के नाम ज्ञापन दिया है ये ADC सर को। तो भाई सभी से मेरी निवेदन है कि भाई जो भी इस भर्ती के सदस्य हैं और जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, जो भी लोकल ऑपरेटर लगे हुए हैं, वे सब अपने अपने ADC ऑफिस में जाकर उनके नाम ज्ञापन सौंपें, तभी कुछ संभव है। जय CPLO, जय भाईचारा, जय हिंद, जय भारत।